हाय नमस्ते वेलकम बैक व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विन ट्रेडर। स्विंग ट्रेडिंग यानी कि शॉर्ट टर्म पोर्शन के लिए मिनिमम एक हफ्ते तक एक शेयर होल्ड रखना है। इसमें टाइम फ्रेम कौन सा सिलेक्ट करो, प्रॉपर एंट्री कैसे समझ में आएगा, इसमें एग्जिट का सिंबल कहाँ से मिलेगा और रिवर्सल करेक्टली आपको हमारे सॉफ्टवेयर विन ट्रेडर से पता चलेगा। इसमें कैसे वर्कआउट करते हैं लेटेस्ट स्ट्रैटेजी यानी कि विन ट्रेडर 8.1 के साथ हमने 8 वर्जन यानी कि फर्स्ट से लेकर 8 वर्जन टोटल है। इसमें स्कैनर है जो वॉल्यूम स्टॉक भले इंट्राडे भले स्विंग ट्रेडिंग है, आपको पोर्शनल जो भी स्ट्रैटेजीज आपको स्कैनर थ्रू आपको परफेक्ट जो ब्रेकआउट ट्रेड है वो पता भी चलेगा। इसमें स्टॉक कौन सा लेना है मॉर्निंग में आइडिया नहीं लगेगा, सॉरी आइडिया करेक्टली पता चलेगा यानी कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, इसका मतलब है। तो आज की इन्फी में देखूंगी तो इंट्राडे में पोर्शन मिला है। देखिए आपको पोर्शनल ट्रेड में भी हमें यानी कि देखूंगी तो एक हफ्ते तक इसमें 1 वीक तक लगातार कंटिन्यूसली 1413 से जो पोर्शन हमने फान सारिक से लिया हुआ है तब से लेकर अभी 121 पॉइंट्स ऑलरेडी अप ट्रेंड चढ़ चुका है, तो अभी भी ऊपर ही जा रहे। साथ में डिक्सन वोल्टास से बहुत सारे मोमेंट होते हैं यानी कि वन साइड मोमेंट दे रही हूँ, यानी कि 1 वीक तक आपको होल्ड रखेंगे तो आपको बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस यानी कि आपको मिला होगा। तो इस तरीके से जो पोर्शन है हमें हमारे सॉफ्टवेयर विन ट्रेडर के स्कैनर थ्रू पता चलेगा, साथ में आपको परफेक्ट जो ब्रेकआउट ट्रेड है वो करेक्टली हमारे सॉफ्टवेयर थ्रू यानी कि आइडिया लगेगा। जैसे कि ACC का जो परफॉर्मेंस है, ACC में भी यानी कि वीकली जो परफॉर्मेंस देखूंगी तो इसमें होल्ड रखने जैसा स्टॉक है। इसमें करेक्टली जो स्कैनर सेट कीजिएगा सिंपल है, तो आपको जो भी स्टॉक है अपना वॉचलिस्ट में ऐड करना है, उसमें स्कैनर सेट कीजिए, जो भी जो वॉल्यूम ट्रेड होता है यानी कि परफेक्ट जो ब्रेकआउट ट्रेड है वो करेक्टली पता चलेगा। जैसे कौन सी अभी स्ट्रॉन्ग बुलिश में जा रही हो, अभी स्ट्रॉन्ग बेरिश में कौन सी स्टॉक है आपको इसमें करेक्टली पता, जैसे कि डिक्सन होता है डिक्सन में स्ट्रॉन्ग बुलिश है, इसमें जो जो अभी जो तीनों ग्रीन दे रहे हैं उसमें स्ट्रॉन्ग बुलिश है और जो तीनों रेड दे रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग बेरिश है। तो इस तरीके से स्टॉक करेक्टली समझने के लिए हमारे सिर्फ स्कैनर काफ़ी है। तो सबसे पहले हम इन्फी का देख लेते हैं, इन्फी में कैसे वर्कआउट करते हैं स्ट्रैटेजी। तो मैंने 30 टाइम फ्रेम रखा है, 30 मिनट्स के लिए आपको 1 वीक तक होल्ड रखने के लिए काम आएगा। इसमें सेम स्ट्रैटेजी सब वर्क करते सेम है, इसमें रेड कलर सेल है, ग्रीन कलर बाय है, दोनों ऑटोमेटिक सिग्नल अलर्ट के साथ आएगा। साथ में लेटेस्ट सिग्नल जो भी मिला है उसका टाइमिंग एंट्री पॉइंट टारगेट होगा। सिर्फ इतना देखना है, तो आपको सिग्नल आता है तो आपको कैंडल भी ग्रीन नीचे भी ग्रीन बाय ऑन है तो ही ट्रेड लीजिएगा। तो यहाँ पे सिग्नल दिया था सीधा बाय ऊपर चढ़ गए थे, तो यहाँ पे सेकेंड कैंडल में कन्फर्मेशन मिला था, वहाँ से जो ब्रेकआउट सीधा रेसिस्टेंस लेवल यहाँ पे ब्रेक करके सीधा ऊपर गए थे। तो कल भी वही जा रहा था, आज भी वही जा रहा है, अभी भी मार्केट ऊपर ही जा रहा है, लगभग 120 पॉइंट्स के ऊपर हमें प्रॉफिट मिल चुका है। रीएंट्री दिया है लगभग 12:00 12:40 को रीएंट्री, इसमें ये जो 1529 में जो पोर्शन दिया था 440 तक इसमें टारगेट दिया हुआ है। तीनों टारगेट के बाद भी अगर कंटिन्यू जा रहा है तो हमें हमारा सॉफ्टवेयर रीएंट्री तक यानी कि रीएंट्री देगा। ओके, तो इसमें सिंपल है चूज़ करना, रिवर्सल आ जाता है ना आपको कन्फर्मेशन बार की, तो नीचे कन्फर्मेशन बार आपको चेंज मिलेगा, साथ में यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी चेंज होगा। तो यहाँ से यहाँ तक तो कंटिन्यूएशन डाउन था 2 दिनों से, उसके बाद मार्केट बाई में गए थे पर बाई कन्फर्म नहीं था, सीधा मार्केट अगेन डाउन की तरफ मोड़ा है। तो नीचे का कन्फर्मेशन बार देखे आपको आइडिया लगेगा कितना तक होल्ड रखना। इसके पहले भी हमारे बाई पोर्शन और सेल पोर्शन सीधा 1 वीक तक यानी कि 2 वीक से इसमें हमेशा परफॉर्मेंस मिला ही है। ये जो इन्फी में बहुत बढ़िया स्टॉक है, आपको इंट्राडे के लिए पोर्शन के जो भी है आपको इन्फी बढ़िया स्टॉक है। साथ में आपको डिक्सन भी देखेगा, डिक्सन यानी कि जो इलेक्शन की जो डाउनफॉल गिरी थी उसको वही लेवल उतना लेवल इसमें ऊपर चढ़ चुका है। तो इसमें 1 आवर में देखिए, 1 आवर में इसमें पहले तक बाय ट्रेड था तो बीच में एक सडन नीचे गिरा था, उतना लेवल ऊपर गए थे, उतना लेवल ऊपर चढ़ चुका है ऑलरेडी। तो वही लेवल में जिन लोगों ने यानी कि बाय ट्रेंड लिया था वो उतना ऊपर चढ़ा भी है, प्रॉफिट भी हासिल किया है, उतना अच्छा ट्रेंड डिक्सन में मिला है। तो इसमें लगभग 300 पॉइंट्स ऑलरेडी ऊपर जा चुका है। सेम आपको आज की ACC में और आपको वोल्टास में मिले, वोल्टास में यहाँ पे देखें जितना नीचे जा रहा था उतना ऊपर भी जा चुका है ऑलरेडी, बाई जब दिए थे तब से लेकर यानी कि बाई लिया था तो यहाँ पे देखिए ये पोर्शन से 1344 से लेकर सीधा ऊपर अभी 1478 तक चला गया था, यानी कि बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस ये वोल्टास में हासिल किया है। साथ में आपको आज की ACC देखिए, ACC
नीचे गए थे उतना ऊपर भी जा चुका है अब कम से कम, यानी कि जो लेटेस्ट सिग्नल के बाद 6.0 फर्स्ट टारगेट जा चुका दिया हुआ है, नीचे सेकंड और थर्ड टारगेट बाकी है, अभी भी होल्ड रख सकते हो, एग्जिट का सिंबल अभी तक दिया नहीं है। इसमें सिंबल यूज़ करना आपको सिग्नल देगा तो कन्फर्मेशन चेक करके एंट्री लीजिएगा और ब्रेकआउट का इंतजार करो, रिवर्सल की इन्फॉर्मेशन आपको कन्फर्मेशन बाद रहो और कलर चेंजेस के जरिए आपको समझ में आएगा। यूज़ करना काफ़ी सिंपल है, लाइव डेमो की तरह आपको देखना चाहते हो भले स्विंग ट्रेडिंग इंट्रा ट्रेडिंग जो भी है आपको यहाँ पे लाइव डेमो दिया जाएगा, लाइव डेमो के लिए कॉल कीजिएगा व्हाट्सएप कीजिएगा। ओके, थैंक यू।